हेलो एवरीबॉडी, गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। और आज की जो वीडियो है, इसमें हम दिखाने वाले हैं $1000 की ट्रेड फ्रॉम बायनमो। तो दोस्तों, ये जो अकाउंट है ये मेरा अकाउंट है, चेक कर पा रहे होंगे आप। ये जो अकाउंट है, अभी जो मैंने लॉगिन किया हुआ है, ये मेरा अकाउंट है। रियल अकाउंट में बैलेंस जो देख पा रहे होंगे आप, $3,152 का। तो अब एक बार क्या करता हूँ, मैं पेज को जो है वो रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल्स, बहुत सारे लोग हैं जिनमें से कुछ ही लोग हैं जो जो है मैसेज करते हैं या फिर कमेंट करते हैं कि आपने पेज को रिफ्रेश नहीं किया था, शायद आपने कोई ट्रिक यूज़ किया हो समथिंग। सो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, रियल अकाउंट में जो बैलेंस है वो है $3,152। सो आज हम करने वाले हैं इसी में से ही $1,000 की ट्रेड, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है। इंडियन करेंसी की बात की जाए तो 71,000 रुपीज़। तो इसकी हम आज ट्रेड लेने वाले हैं। डेफिनेटली देखते हैं क्या होता है, कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। चलिए गाइस, यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम हैं बायनमो के वेब इंटरफेस पे। देखो यहाँ पे आप जैसे चेक कर पा रहे हैं, वेब इंटरफेस मैंने ओपन किया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि आप जो है सर मोबाइल इंटरफेस से यूज़ करके जो है ट्रेड लिया करें, बट जब इतनी बड़ी ट्रेड लेते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रैटेजी है उसको एक बिग स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो है बड़ा स्क्रीन मैंने यूज़ किया है। तो आज जो है इसी से हम ट्रेड लेने वाले हैं। सबसे पहले जो है कुछ नेसेसरी सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको भी ध्यान रखनी है। वो ये जो टाइमिंग है चार्ट की, माफ़ी चाहूँगा, जो चार्ट है उसका टाइम पीरियड आपको 1 मिनट कर देना है, ठीक है। जैसे कि अभी 1 मिनट ही सिलेक्टेड है ऑलरेडी। यहाँ पे जाओगे आप कैंडलस्टिक पे, तो यहाँ पे आपको अब जो भी आपको प्रेफर करते हो, मैं तो बेसिकली जो है कैंडल्स जो है वो प्रेफर करता हूँ। अकॉर्डिंग टू यू आप जो प्रेफर करते हो, आप वहाँ पे आपको जो है सेट कर देना है। द थिंग इज, ये तो चीज़ें हो गई दो बेसिक चीज़ें। टाइम पीरियड का ध्यान रखना है, अमाउंट का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अमाउंट जो है वो रखने वाला हूँ मैं $1,000। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो होगा $860 का। इफ़ वी विन, अगर हम यहाँ से विन करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा $860 का। लॉस करते हैं तो हमारा जो लॉस होगा वो होगा ₹70,000 का। थोड़ा कंफर्मेशन ज़रूरी है इन दिस केस, क्योंकि आज जो है गाइज मंडे है, तो आज जो है मार्केट ओपन है, तो हम बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी करेंसी और जिसमें हमें ट्रेड लेनी है, बहुत अच्छे से सोच समझ के हम चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जाऊँगा इंडिकेटर्स पे। फिलहाल जो इंडिकेटर जो अप्लाई कर रखा है मैंने, वो तो एलिगेटर की बेसिक स्ट्रैटेजी है। हालांकि ये मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी हमेशा से ही ज़रूर रही है, पर आज हम जाने वाले हैं कुछ अलग, कुछ दूसरी स्ट्रैटेजी पे। और देखते हैं कि RSI पहले जो सोचना, जो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा, जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपके सामने हैं और इन्हीं में से ही एक स्ट्रैटेजी आज हम यूज़ करने वाले हैं। तो देख पा रहे होंगे आप बोलिंजर पैन, MACD, CCI, बहुत सारी स्ट्रैटेजी अभी आप देख पा रहे हैं। इन्हीं में से कोई एक स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ करेंगे। फिलहाल जो है कुछ सोचा मैंने नहीं, बोलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी जो है, चलिए इसको यूज़ करते हैं आज के वीडियो के लिए और आज की ट्रेड के लिए, देखते हैं क्या होता है। सो अभी देखो मैंने ये जो स्ट्रैटेजी है वो अप्लाई कर दी है। अभी इस स्ट्रैटेजी की अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो इस ये जो लाइंस हैं इसको क्रॉस नहीं कर पाया है अभी तक कोई भी चार्ट। यहाँ तक ज़रूर आया है बट अभी भी इसको क्रॉस नहीं कर पाया है। लेकिन इस पर्टिकुलर करेंसी पे ये जो ट्रेड है वो लेना मुझे नहीं लगता कि फ़ायदेमंद हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि कोई पर्टिकुलर 1 या 2 मिनट या 3 मिनट का कोई सिग्नल यहाँ से जनरेट नहीं हो रहा है, देखते हैं, मतलब हो नहीं रहा है जनरेट। तो एक काम करते हैं, सिंपली ये जो है इसको एग्जिट करते हैं, कोई और ट्रेड लेते हैं, कोई और जो है स्ट्रैटजी है वो फॉलो करते हैं। हम जाते हैं सिंपल सी स्ट्रैटजी हमारी जो हमेशा से हम यूज़ करते आए हैं, सिंथेटिक वाली। तो इस स्ट्रैटजी पे जाते हैं। देखो यहाँ पे भी कुछ कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हम एक और स्ट्रैटजी MACD वाली भी यूज़ करेंगे। इसको भी मैंने कर दिया है अप्लाई। तो दो स्ट्रैटजी अभी हमारे पास लगाई है मैंने, यूज़ की है दो स्ट्रैटजी। हल्का सा जूम करता हूँ ग्राफ को फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे देखो कि क्या एग्जैक्टली सिनेरियो है फिलहाल के टाइम पे, क्या सिनेरियो आप देख पा रहे होंगे कि अभी तो मार्केट जो है काफ़ी टाइम तक ऊपर था, बट अभी फ़िलहाल गोज़ डाउन।
रेड कलर की कैंडल्स भी बनना स्टार्ट हो गई है, यहाँ भी मूवमेंट है हल्का सा, बट वी आर नॉट श्योर, अभी भी हम श्योर नहीं है फॉर दिस मच अमाउंट. अगर हम $1000 की ट्रेड ले रहे हैं सो वी हैव टू बी श्योर, 100% श्योर, एटलीस्ट 100% तो मैं नहीं कहना चाहिए मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे, बिकॉज इन दिस फील्ड अगर आप आते हैं तो 100% कुछ भी नहीं होता है. इन दिस फील्ड अगर आप ट्रेडिंग लेना चाहते हैं, अगर पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो आप 90% रिस्क पे आए, मतलब 90% तो सोच के आए, एंड देन 10% जो है वो छोड़ दीजिए, वो जो होगा ठीक ही जाएगी, 90% जो है आप डेफिनेटली श्योर होके ही आए कि आपको लगता है वही होने वाला है. ठीक है, द थिंग इज, एक और चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा यार, अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो ना तो अभी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि बहुत कुछ मिस करोगे अगर आप वहाँ पे नहीं हो तो. द सेकंड थिंग इज यार, वीडियो पसंद आई ना आपको, डेयरिंग अच्छी लगी यार, तो एक लाइक ज़रूर कर देना. एंड अगर हारते हैं जीतते हैं डजन मैटर, अगर हारेंगे तो भी हम स्टॉप करेंगे, अगर हम जीतेंगे तो भी हम स्टॉप करेंगे, तो इसका कोई मैटर नहीं करेगा, इस वीडियो से जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन एक लाइक आपको ज़रूर कर देना है यार. चैनल पे बिल्कुल नए होना तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़. ठीक है, सो गाइज अभी हम यहाँ पे हैं, करेंसी कुछ अच्छी नहीं चल रही है, तो हम जाएंगे करेंसी चेंज पे, देखते हैं कोई करेंसी अच्छे से मिल जाए जहाँ पे जो ग्राफ है वो हमारे हक में हो, तो इट विल बी बेटर फॉर अस. यहाँ पे भी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो वी विल चेंज फॉर करेंसी, हम और करेंसी चेंज पे जाएंगे, एंड लेट्स सी कि क्या हमारे पास फाइनल सिनेरियो आता है. तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहले बहुत नीचे तक मार्केट गया था, देन अभी सडनली ऊपर जाने लग गया है, एंड लास्ट की कुछ कैंडल्स को देख के कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या मार्केट का नजरिया या फिर क्या होने वाला है मार्केट फॉर सम टाइम. सो विल चेंज करेंसी, थोड़ी सी और करेंसी जो है चेक करेंगे, ये भी सही नहीं चल रही है फिलहाल के टाइम पे. सो विल मूव फर्दर, हम USD पे देखते हैं एक बार, USD को चेक करेंगे. यार दोस्तों वीडियो शायद थोड़ी सी 10-12 मिनट की ज़रूर हो जाएगी, मैं कोशिश करूँगा जल्दी निपटाने की, लेकिन एग्जैक्टली थोड़ा सा अगर पेशेंस होंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि पेशेंस आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम हियर. तो चीज़ें ना ऐसे एकदम से सीखनी चाहती हैं, यहाँ पर ना चेंज करते रहना पड़ेगा करेंसी. जब आप बड़ी ट्रेडिंग ले रहे हो ना, जब आपका गोल बड़ा हो, चीज़ें बड़ी हो ना, तो चीज़ें चेंज करते ही रहना पड़ेगा आपको, सेम के साथ आप नहीं जा सकते. अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है फॉर सम टाइम के लिए नीचे रहने वाला है. सो हम जाएंगे कितने मिनट की ट्रेड के लिए, 3-4 मिनट की ट्रेड पे हम जाएंगे, बट एग्जैक्टली अभी फॉर श्योर हम नहीं हैं, तो लिटिल वेट, हम थोड़ा सा वेट करेंगे. देखो यहाँ पे जो है नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन गई है, अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं वो हुई है, तो यहाँ पे हम इस करेंसी पे ही ट्रेड नहीं लेंगे, विल चेंज करेंसी, क्योंकि हमें श्योरिटी मस्ट है फॉर दिस टाइम. तो हम और चेंज करेंगे फॉर, इफ़ वी आर श्योर तो ही हम यहाँ से मूव करेंगे फर्दर. द रीज़न बिकॉज अमाउंट इज़ बिग, एंड फॉर दिस मच अमाउंट, अगर इतनी बड़ी अमाउंट है तो आपको श्योर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएँ, बट वी हैव टू बी श्योर फॉर दिस मच अमाउंट. तो अभी फ़िलहाल जितनी भी करेंसीज हैं कोई पे भी बैलेंस नहीं चल रहा है इस तरीके का बैलेंस कि हम ट्रस्ट कर सकें उस पर एग्जैक्टली, इस तरीके का अभी फिर भी कुछ भी नहीं है. ठीक है, सो देखो यहाँ पे मुझे लगा था कि मार्केट जो, चलो कि यहाँ से नीचे मूवमेंट है मार्केट का, बट यहाँ पे भी सडन चेंज के साथ मूवमेंट लिया मार्केट ने, तो हम यूरो JPY को ही कट कर देंगे, एंड देन फर्दर मूव करेंगे. नहीं, ये भी करेंसी अभी फ़िलहाल नहीं सही है. दिस वन हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं, इस पर हम सोच सकते हैं ट्रेड लेने की, बट एग्जैक्टली अभी देखना पड़ेगा इसका भी सिनेरियो क्या है. थोड़ा सा जूम करते हैं एंड थोड़ा सा सिचुएशन को देखने की समझने की कोशिश करते हैं. अगर ये करेंसी अच्छी रही तो हम इसी में ट्रेड लेंगे $1000 की, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन. यार अराउंड 71,000 रुपीस इंडियन करेंसी में अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखोगे, अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो है. फिर से ग्रीन कलर की कैंडल बन गई है जो कि नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये बनती है तो फिर मार्केट जो है अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा फिर से. अगर रेड कैंडल होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना आसान होता मेरे लिए, बट एग्जैक्टली हमें जो है ट्रेड वो लेनी ही लेनी है. बट द थिंग इज़ डायरेक्शन क्या होगी, बस वहाँ पे हल्का सा कन्फ्यूजन है. करेंसी यहाँ पे यही सेलेक्ट करेंगे हम, यूरो GBP, 82% का प्रॉफिट यहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ से हम जाएंगे. बट एग्जैक्टली डायरेक्शन क्या होगी वो सोचना अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, वो सोचना पड़ेगा डायरेक्शन हमें,
एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दोज इंडिकेटर्स, अगर दोनों इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हल्का सा मूवमेंट ऊपर की तरफ है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे रेड कलर की कैंडल्स बनी है लेकिन सब नेक्स्ट कैंडल पे डिपेंड करेगा। अब ये ग्रीन बन गया है, देखो ये किस तरीके से जो है ग्रीन बन गया है, लाइक इट्स नॉट, ये सही नहीं है। इफ़ वी वांट, लाइक अगर हम जो है ट्रेड लेना चाहते हैं इन दिस करेंसी तो ये जो है बिल्कुल सही इंडिकेशन नहीं है हमारे लिए, ठीक है। सो फिर क्या करना चाहिए, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम, आई थिंक थोड़ा सा और वेट करना चाहिए फॉर दिस अमाउंट। अगर आप भी सिचुएशन में फंस जाते हैं, अगर आप भी बड़े अमाउंट की ट्रेड लेते हैं एंड दिस सिचुएशन आपके पास भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अभी टाइम है एंड हम जो है अच्छा कर सकते हैं इन दिस टाइम। बट थोड़ा सा अगर वेट करने से चीज़ें जो है अच्छी हो जाए तो वी हैव टू वेट, ठीक है, उसमें वेट करना ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो है टाइमिंग जो है मैंने 2 मिनट्स की कर दी है, देन विल मूव फर्दर। मुझे लगता है कि हमें अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले लेनी चाहिए फॉर 2 मिनट्स, बट लेट्स सी कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो यार इसने मूवमेंट ऊपर की तरफ ले लिया है बट अभी ये जो है बिल्कुल स्टक हो गया है 1100 पे, यानी 0.855 1100 पे स्टक, यहाँ पे बिल्कुल ही स्टक हो गया है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों, बट हिल ही नहीं रहा यहाँ से। एंड अगर मैं जूम भी कर दूँ तो मैक्स जूम पे अभी है ये, इससे ज़्यादा हम जूम इन नहीं कर सकते। एंड देन आई डोंट नो, ये फिक्स्ड है यहाँ पे 1185 1100, यहाँ पे ये बिल्कुल फिक्स्ड है। अगर हम यहाँ पे 2 मिनट की ट्रेड लेते भी तो भी अभी ड्रॉ ही हो जाता, बिकॉज सिचुएशन तो सेम ही है, बट लेट्स सी। ओके सो देखो यहाँ पे बिल्कुल फिक्स्ड था बट अभी देखो ये नीचे की तरफ इसने एक रेड कलर की कैंडल बना दी है जो कि रेड कैंडल है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, एग्जैक्टली अब जो है सिनेरियो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो 2 ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद चेंजेस हुए मार्केट में, देन अभी चेंजेस होना पॉसिबल है। तो हम जाते हैं 2-3 मिनट्स की ट्रेड पे, यानी हम 2-3 मिनट्स की ट्रेड पे जाते हैं। डायरेक्शन हम हमारा अपोजिट रखने की रखें तो मुझे लगता है ज़्यादा हम फायदे में रहेंगे। एग्जैक्टली अगर डायरेक्शन अपोजिट रखते तो हम फायदे में रहते, बट देखते हैं अगर और नीचे आता है तो हम डायरेक्शन जो है वो अपना चेंज करने की डेफिनेटली सोचेंगे। आई होप मैं समझ सकता हूँ गाइज, यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 12 मिनट्स की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, 12 से 13 मिनट। बट इवन दो अगर आप 7 तक बने हुए हैं अभी तक तो ज़रूर आप लोगों के पास एक होप होगी, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी कि क्या होता है इन $1000 का विल लॉस और विविन। और गाइज सीरियसली ये जो डिले है नॉट कॉज ऑफ मी, ये मेरी वजह से नहीं है, ये जो डिले है ये एग्जैक्टली इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जैक्टली सिनेरियो रीड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और विदाउट रीडिंग आपको पता है इट्स नॉट ईजी। यहाँ पे मैंने 2 मिनट के लिए $1000 की ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है डाउनवर्ड, माफी चाहूँगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी हमने जो है वो ट्रेड ले ली है अपवर्ड डायरेक्शन में। अमाउंट जो है हमने इन्वेस्ट किया है वो किया है $1000 का, यानी इन इंडियन करेंसी की अगर बात की जाए तो अराउंड 71,000 रुपीज़ अगेंस्ट है हमारी प्रिडिक्शंस के। अभी तक जो भी चीज़ें चल रही है सारी चीज़ें अभी तक हमारी प्रिडिक्शंस के अगेंस्ट हैं, बट लेट्स सी। जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन ज़रूर बनी है, और अगर ये ग्रीन बनती है हमारी प्रिडिक्शंस के हिसाब से जाती है तो चीज़ें सही हो सकती हैं फॉर दिस ट्रेड। अभी नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जैक्टली लैंडेड है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, दिस मच अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट $1000, लेट्स सी। तो अभी हम हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे, देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। अभी हम फिर से जो है वो लॉस में आ गए हैं, देन नो लॉस नो प्रॉफिट, एंड अब हमारे पास हैं सिर्फ 29 सेकंड्स, यानी अब 25 सेकंड्स, एंड अभी हम नो लॉस नो प्रॉफिट पे ही हैं। थोड़ा सा भी अगर ये ऊपर जाता है कैंडल तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा अपने लिए, और थोड़ा सा अगर नीचे आ गया ये 16 सेकंड में तो ये अभी तक जितने 1000 हैं वो बिल्कुल के बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे यहाँ पे, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। 8, 7, ये देखिए अब बिल्कुल 5 सेकंड्स बचे थे और ये बिल्कुल ही नीचे चला गया, तो ये हो गया है हमारा $1000 यहाँ पे लॉस्ट, बिल्कुल $1000 लॉस हो गया। नहीं, आई थिंक गॉन,
आई थिंक ऑन यार, वो 1 सेकंड का शायद डिले हो गया था यहाँ पे, देखो 1 सेकंड का डिले हो गया था पता नहीं किस तरीके से, बट ठीक है जो हुआ। अब हम जो है अमाउंट आई थिंक $2,000 कर देनी चाहिए फॉर नेक्स्ट ट्रेड, तो यहाँ पे हिम्मत करते हैं $2,000 कर देते हैं फॉर नेक्स्ट ट्रेड, देखते हैं। 7 तक बने रहना, मज़ा आएगा यार। $2,000 की एक और ट्रेड हम जो है वो लेने वाले हैं। अब डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी वो पता नहीं, लेकिन $2,000 की जो है वो ट्रेड होगी नेक्स्ट वाली जो ट्रेड होगी वो होगी $2,000 की। अमाउंट जो करते मतलब टाइमिंग जो करते हैं वो लगभग 2 मिनट्स का ही करते हैं, ठीक है लेट्स सी 2 मिनट का ही टाइम करते हैं, क्योंकि यार डायरेक्शन जो है हमने बिल्कुल, प्रिडिक्शन जो है हमारा बिल्कुल सही था, लेकिन जो प्रॉब्लम हुई, जो जहाँ पे चीज़ें फंसी थी वो कहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम हुई जहाँ पे हम ने वो 1 सेकंड का शायद डिले हुआ था, 1-2 सेकंड का, उसके बाद तो वो ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो बहुत ही ऊपर बन गया था, तो वो 1-2 सेकंड का डिले हमें प्रॉब्लम में लेके आ गया और उसकी वजह से यहाँ पे लॉस हो गया था। तो यहाँ पे अगले कुछ सेकंड्स का ये प्रिडिक्शंस होगा मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे हम 1 मिनट और इनक्रीज कर देते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं 20, जहाँ पे देखिए ग्रीन कलर की कैंडल फिर से बन गई है, 28 यानी 2 मिनट की प्रिडिक्शन है। मैंने जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले ली है गलती से, अमाउंट यार मैंने तो 2000 सेलेक्ट किया था, यहाँ पे 1000 ऑटोमेटिकली कैसे सेलेक्ट हो गया, आई डोंट नो व्हाई कैसे वहाँ पे 1000 सेलेक्ट हो गया, बट चलिए जो भी है $1000 यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अगर हम ये विन भी कर जाते तो भी हम लॉस में ही रहेंगे, बट एग्जैक्टली ये विन और अगर ये लॉस कर गए तो हम आएंगे 2000 के लॉस पे, बट देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे अभी तो हम हैं लॉस में, क्योंकि अब आए हैं हम प्रॉफिट में। एग्जैक्टली ये नो लॉस नो प्रॉफिट वाली सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए काफ़ी टाइम लग गया मुझे जज करने में सिचुएशंस को। एक आधी ट्रेड आपको भी पता है हारना इट्स नॉट अ बिग डील, बट द थिंग इज़ जब अमाउंट ज़्यादा हो तो ये बहुत बड़ी डील में कन्वर्ट हो जाता है, जब 1-2 ट्रेड आप हार जाते हो तो, क्योंकि यहाँ पे सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे फुल जूम कर रखा है मैंने, इवन दो यहाँ पे कोई सिचुएशन जो है वो समझ नहीं आ रही है। आप देखो यहाँ पे जो है हम लॉस में चले गए अभी फिलहाल में, अब नो लॉस नो प्रॉफिट पे हैं। तो यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा और नीचे आता है फॉर आफ थोड़े देर बाद से तो इट विल बी हेल्प फॉर अस, तो वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि अभी जो हमारा सिनेरियो जो चल रहा है वो है सिर्फ 30 सेकंड्स का, और जो पिछली बार जो हुआ था हमारा पिछली ट्रेड में वही लगता है इस बार भी होगा, क्योंकि सिनेरियो तो है वो बिल्कुल सेम है। 22 सेकंड्स बचे हैं, जो पिछली बार लास्ट के 5 सेकंड में गई थी ऊपर, इस बार 17 सेकंड पहले ही वो ऊपर चली गई है कैंडल, बट देखते हैं कि क्या होता है। तो अब हमारे अकाउंट में 3000 से सिर्फ $1000 बचे हैं, एंड यहाँ पे कैंडल जो है वो बहुत ही ऊपर चली गई है, लाइक 2 ट्रेड जो है वो कंटिन्यूसली वी लॉस्ट, ऑलमोस्ट वी लॉस्ट, एंड जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट इंडियन करेंसी में 1,50,000 रुपीज़। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं यार सर आप प्रॉफिट में ही जाते हैं हर बार, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, वी लॉस्ट समटाइम्स, हम हारते भी हैं डेफिनेटली, और हारते भी ऐसा नहीं है बहुत बड़ा बड़ा, तो यहाँ से कुछ ऐसा नहीं है कि कई लोग हैं जो सोचते हैं हर बार हम जीतते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जीतना हारना बिल्कुल लगा रहता है, इज़ अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ये जो चीज़ें हैं उसका एक पार्ट है हारना जीतना, बट थिंग इज़ व्हाट वी लर्न फ्रॉम यर द थिंग इज़ यही मैटर करता है। तो यहाँ पे अब रियल अकाउंट में हमारे हो गए हैं 3000 से जस्ट $1000, जो कि बड़ा कूल सा लग रहा है यार, $1000 का नुकसान और वो भी सिर्फ 15-20 मिनट में, यार क्या मतलब बहुत ही जो है चीज़ें बहुत ही अलग हुई आज, लेकिन कोई बात नहीं, समटाइम्स लॉसेस भी चाहिए, क्योंकि हर बार प्रॉफिट इज़ नॉट इनफ, लॉसेस से भी आदमी को सीखना चाहिए बिल्कुल, वी आर लर्निंग फ्रॉम लॉसेस, ठीक है। सो गाइज ये तो मेरा अकाउंट था, तो यहाँ पे किसी सब्सक्राइबर को नुकसान नहीं हुआ है, एग्जैक्टली यहाँ पे किसी भी सब्सक्राइबर को नुकसान नहीं हुआ, पहले ही आपको बता देता हूँ, ये मेरा अकाउंट था, दिस अकाउंट बिलोंग्स टू माय, लाइक इसके लॉसेस जो है वो मुझे बिलोंग करते हैं, तो इट्स नॉट, या इसमें ये प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज किसी सब्सक्राइबर के अकाउंट से इतना बड़ा जो डील है वो मैं नहीं लेता। द थिंग इज, सेकेंड थिंग इज कि वीडियो उम्मीद करूँगा यार पसंद आई होगी, तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर ज़रूर कर देना यार, वीडियो को हारने के नाम पे शेयर ज़रूर कर देना। चलिए गाइस यार मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। एंड दूसरी चीज़ यार, शेयर करोगे ना तो लाइक भी कर देना, और दूसरी चीज़ नहीं होना चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि यार मज़ा आएगा, सब्सक्राइब करोगे ना चीज़ें नई नई बिल्कुल सीखने को मिलेंगी आपको, और आने वाले टाइम में ना बहुत कुछ यहाँ पे से आपको मिलने वाला है। थैंक यू सो मच यार गाइस।